हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आगे मैं कॉन्वेंट के साथ वापस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रिकॉयल के बारे में, मतलब जो फ्री फायर की रिकॉयल है गन्स की, वो कैसे कंट्रोल करें, वो क्या होती है या कुछ भी ऐसा, आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। अगर आप लोगों को रिकॉयल और एक्यूरेसी के बारे में मतलब नहीं पता है, होती क्या है, क्यों होती है, किस लिए होती है, तो आप लोगों को ना ये देखो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, ये वाली वीडियो है, आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हो, आप जाके उसको देखो। उसमें आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, हालांकि बहुत पुरानी वीडियो है लेकिन उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है एक्यूरेसी और रिकॉयल में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो आप पहले उसमें जाके वीडियो में देखाओ कि भाई उसमें फ़र्क क्या है दोनों चीज़ों में, और उसके बाद मैं आपको आगे अभी बताता हूँ रिकॉयल के बारे में। एक्यूरेसी का मैं बाद में सिस्टम बता दूंगा आप लोगों को, एक अलग से और वीडियो बना दूंगा कल, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम आज रिकॉयल के बारे में बात कर लेते हैं और एक्यूरेसी की भी वीडियो आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले हम रिकॉयल की बात करते हैं, तो शुरू करते हैं, सबसे पहले मेन बात कर लेते हैं किन गन में सबसे ज़्यादा रिकॉयल है। तो सबसे ज़्यादा रिकॉयल मेनली AK में है, बाकी नॉर्मली गन सब चल जाती हैं। और अगर SMG में बात करें तो मेरे हिसाब से बाइजन में उसके बाद सबसे ज़्यादा रिकॉयल है SMG में, बाकी मेरे को अंदाज़ा नहीं है किसमें कितना है, लेकिन मेरे को AR में अंदाज़ा है कि भाई AK में सबसे ज़्यादा रिकॉयल है। कोई ना कोई तो बोलेगा ZOOMP में भी है रिकॉयल ज़्यादा SMG में, लेकिन सबका अपना अपना नज़रिया, मेरे को बाइजन में लगता है। आप मेरे को बता सकते हो कि भाई किस में सबसे ज़्यादा रिकॉयल है SMG में, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिलहाल के लिए तो हम AR का पकड़ के चलते हैं, उसमें सिर्फ AK में सबसे ज़्यादा रिकॉयल है। तो पहले मैं उसी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ कि भाई रिकॉयल कैसे कंट्रोल करनी है, उससे पहले आपको ये करना होगा कि रिकॉयल होती क्या है ये पता करना होगा। तो आपको मैंने पहले ही बोल रखा है कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, आप चेकआउट कर सकते हो उसको जाके। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो जल्दी से जल्दी आपको रिकॉयल के बारे में समझाना शुरू करता हूँ कैसे कंट्रोल करनी है। नॉर्मली सबको पता है कि भाई आपको Level 3 की 4 ग्रिप चाहिए, जिससे भाई आपकी रिकॉयल काफ़ी हद तक दब जाती है। बस यही एक मिथ है कि सिर्फ रिकॉयल एक 4 ग्रिप होती है ना, सिर्फ इसी की वजह से ही दबती है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब चीज़ें मैटर करती हैं इसमें, जैसे कि ये मैगजीन तक मैटर करती है इसमें भाई अपनी रिकॉयल में। अब देखो, मेरे को 6 साल हो चुके हैं इस गेम को खेलते हुए, 5 साल हो चुके हैं मेरे चैनल को बनाए हुए, और एक के भाई आप लोगों को पता है कि मैं कैसी चलाता हूँ भाई। अगर भागता बंदा है तब, अगर भाई कोई चल रहा है बंदा तब, अगर बिना जूम के चलाऊं मैं तब, भाई सब मेरे को पता है कि कैसे इसकी रिकॉयल कंट्रोल करनी है। मेरे को इवन टू इतने मैसेज आते हैं पिछले 6 साल से या 5 साल से, मेरे को इतने मैसेज आ रखे हैं या फिर भाई कमेंट आ रखे हैं कि भाई आप आपकी एक की हिलती तक नहीं है। अब भाई मैं ये खुद नहीं बोल रहा, आप लोग बोलते थे, आप लोगों में से कईयों को पता भी है, अगर किसी ने यकीन नहीं करना होगा वो आपके ऊपर है, लेकिन जिनको भाई जो पूछ रहे थे उनके लिए ये वीडियो। अब देखो, इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ लगती है मिथ, ये बहुत बड़ी है कि 4 ग्रिप ही कंट्रोल करती है Level 3 की, या फिर 1-2 की, जो भी लगा लो 4 ग्रिप ही कंट्रोल करती है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें मैगजीन भी भाई थोड़ा सा इंपैक्ट डालती है, इसमें भाई मजल भी इंपैक्ट डालती है, यहाँ तक कि यहाँ पे जो स्कोप होता है ना, ये भी इंपैक्ट डालता है थोड़ा सा, बस एक आध गोली का ही डालता है, इतना ज़्यादा भी नहीं मैं बोल रहा। इसमें मैं बताता हूँ कैसे, देखो ये गन है, इसमें ना एक होता है मैकेनिज्म, ये रहता है कि मान के चलो कुछ परसेंटेज के हिसाब से अगर ये गोलियाँ चल जाएंगी, उसके बाद ये पहली गोली इसमें रिकॉयल रहेगी। अब अगर आप इसमें मैगजीन बड़ी लगा दोगे तो भाई गोलियों की परसेंटेज बढ़ जाएगी, तो एक आध गोली आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। और साइलेंसर में क्या है, इसमें मजल में इसमें आपकी थोड़ी सी रेंज बढ़ जाती है साइलेंसर का, तो आपको पता है साइलेंस कर देता है गन को, इसमें कोई रेंज वगैरह कुछ नहीं बढ़ता, इसमें कुछ भी नहीं हिलता, बस इसमें सिर्फ गन को साइलेंस कर देता है ये। और भाई नॉर्मली जैसे ऐसे लगा के चलो कि गन की आवाज़ दब गई, लेकिन उसके कुछ आगे नहीं लगा हुआ, बस मान के चलो मजल वगैरह रेंज नहीं बढ़ेगी या कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा, तो इसमें यही रहता है। लेकिन मजल में ऐसा थोड़ा सा फ़र्क है, एक आध गोली इसमें भी आपको एक्स्ट्रा मिलती है। जब मैं देखता हूँ, आप लोग देखते ही हो मेरे को कि लास्ट जोन में मैं हमेशा मजल यूज़ करता हूँ AK के साथ, तो मैं साइलेंसर कभी चलाता ही नहीं हूँ, कितना ही बड़ा मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन मैं चलाता ही नहीं हूँ जल्दी। लेकिन अगर मैं रैंक वगैरह पुश कर रहा हूँ तो मैं पूरे मैच में भाई चला लेता हूँ, उसके बाद एंड में आके फिर भी मैं मजल लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, तो भाई इसके साथ भी थोड़ा बहुत होता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरा ही चेंज हो जाता है सिनारियो, नहीं नहीं नहीं, एक आध गोली का होता है कभी कभी, वो भी नहीं हो सकता, लेकिन इनसे फ़र्क पड़ता है बाकी चीज़ों से भी। और भाई स्कोप से भी यही सेम टू सेम चीज़ है, इसमें ना गोलियाँ जाती हुई देखो एकदम दिख रही हैं तो काउंट होती हैं, लेकिन इसमें 2x में थोड़ा सा कम जूम रहती है, तो अगर आप लॉन्ग रेंज में फायर कर रहे हो तो ये इफेक्ट पड़ती है आपको, लॉन्ग रेंज में थोड़ा सा 4x में दिखेगा भाई कितनी दूर गोली जा रही है और कितनी ज़्यादा टाइम में जा रही है,
4X में भाई थोड़ा सा धीमे जाती हुई आपको दिखेंगी गोलियाँ। अगर आप भाई वो चलती है आपके ऊपर, आपको पता ही स्नाइपर चलती है, तो आपको गोली एकदम आपके कान से होते हुए ऐसे निकलते हुए दिखती है कि भाई ये गोली आ रही है। आप अगर HD में पूरे हाई ग्राफिक पे खेलते हो तो आप लोगों को पता होगा। तो सेम टू सेम चीज़ इसी में भी है, एक आध गोली का यहाँ पे भी फ़र्क पड़ता है रिकॉयल का, अगर आपके पास 4X या 2X है। अब मेरे हिसाब से ये नहीं भी हो सकता, आपके ऊपर है, लेकिन आप एक काम करना, ये चीज़ें चला के देखना, ये सारे चीज़ें लो लेवल की लगा लेना, उसके बाद आपको सिर्फ 4 ग्रिप लेवल 3 की लगा लेनी है, उसके बाद आप चलाना और आपकी वीडियो को स्लो कर लेना, आप देखना कि ये चीज़ सच में फ़र्क डालती है या नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेनली बात तो यही होगी, आपको स्टॉक भाई मैक्स लेवल की चाहिए। और अगर आप बैठ के चला रहे हो गन तो भाई और भी ज़्यादा रिकॉइल कंट्रोल हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, ये चीज़ फ़र्क डालती है। ये भी आपको, ये तो नॉर्मली सबको भी पता है कि आप अगर बैठ के चलाते हो, आपके पास अगर 4 ग्रिप भी है, तो आपका सीन मेन पता क्या मोटिव रहता है, ये जो सर्कल है ना, इसको बहुत ज़्यादा स्लो भाई बड़ा करना है। मान के चलो जितनी ज़्यादा जल्दी ये बड़ा होगा, उतनी जल्दी आपकी ये गन गोलियाँ रिकॉइल होना शुरू हो जाएंगी, और जितनी ज़्यादा ये स्लो बड़ा होगा उतनी ज़्यादा भाई कम आपकी रिकॉइल होगी। ठीक है, तो यही चीज़ रहती है। अगर आप बैठ के चलाते हो तो आपका रिकॉइल थोड़ा सा भाई 0.5 सेकंड भाई धीरे स्लो बड़ा होगा, लेकिन अगर आप ऐसे भागते हुए चलाओगे तो ज़्यादा जल्दी ये बड़ा हो जाएगा। तो ये फ़र्क है, अगर आप खड़े होकर ऐसे गन चलाओगे तब भी थोड़ा सा भाई फ़र्क डालती है, तो ये भी चीज़ है। अगर आपको स्प्रे देनी है ना लॉन्ग रेंज में, आपको रिकॉल बिल्कुल ख़त्म करके देनी है, तो आप ना बैठ के कहीं पे भी हो सके तो आपको सेफ रहना है, उसके बाद फायर देना है, तब जाके आपको और भी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे रिकॉल के। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे मूव करते हुए चलाओगे तो ये एकदम से सर्कल बड़ा हो जाएगा, आप देख लेना स्लोमो में करके, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास एडिटिंग की इतनी बड़ी स्किल्स नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मेनली चीज़ें हैं ये। अगर आप मूव करते हो, फायर करते हो, तो भाई आपका ये सर्कल ज़्यादा जल्दी फास्ट बड़ा हो जाता है, लेकिन खड़े होकर चलाते हो तो भाई थोड़ा सा और टाइम लेता है, और बैठ के चलाते हो तो और भी ज़्यादा टाइम लेता है, ये बायपॉड के बिना बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी होती हैं रिकॉइल में, तो आप इससे भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो चलो अभी बात कर लेते हैं मेन स्प्रे की, जो कमेंट सेक्शन में बात होता रहता है कि भाई आप कैसे गाड़ियों पे या ग्लू वॉल पे एकदम भाई स्टीक एकदम तगड़ी वाली स्प्रे देते हो और बिना रिकॉइल देते हो। आपको दो ट्रिक बताता हूँ, एक तो आपको पता होगी जैसे कि ये स्कोप ऑफ ऑन, जिससे भाई आप इजिली एकदम स्प्रे दे सकते हो, जिससे रिकॉइल आपकी रीसेट हो जाएगी और आपकी सारी की सारी गोलियाँ स्टार्टिंग की 3-4 होती हैं जो, वो बंदे के लगेंगी और अगली 4-5 भी आपकी लगेंगी ही लगेंगी। ठीक है, नॉर्मली अगर बंदा वॉल नहीं लगाता तो ये तो होती ही है कन्फर्म, मैं ये सबको पता है। और दूसरी ट्रिक मेरी, मैं भाई स्कोप ऑन रख लेता हूँ, उसके बाद बस भाई बंद ही नहीं करता, ऐसे स्प्रे करता रहता हूँ। अंगूठे पे ध्यान दो बस मेरे, आपको समझ में आ जाएगी चीज़। अब देखो ये तो बंदे काफ़ी ज़्यादा हिल रहे हैं, अगर बंदे के पास लेवल 4 का बेस्ट होता, थोड़ी लंबी स्प्रे चलती तो आपको समझ में आ जाता। देखो ऐसे रखता हूँ मैं, बंदे पे एम ले जाने के लिए तो हमको स्कोप ऑफ ऑन करना ही पड़ेगा, तो वो अपने आप ही ये ऐसे जाएगा, लेकिन अगर खींच के ले जाना पड़ेगा तो थोड़ी उसमें दिक्कत है। मान के चलो मैं इस पर स्प्रे करूँ ऐसे, बस बात ख़त्म। अब मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल भी नहीं बैठा, अगर मैं बैठा होता और बैठ के स्प्रे दे रहा होता तो भाई आपको दिखा देता नॉर्मली, आपने देखा ही है मेरा गेम प्ले। ठीक है, अभी मैं चेयर पर बैठा हूँ, ऊपर फ़ोन लग रखा है, अब मैं ऐसे गेम प्ले खेलता हूँ ऐसे नहीं, तो मेरे को ऐसे आपको कैमरे को दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा मेरी अभी भी रिकॉल हो रही है, और मेरे से जैसे एक के चलाता हूँ वैसे नहीं चल रही। ठीक है, समझ जाओ बस, और मैं कैसे चलाता हूँ बस वही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे स्कोप ऑन बंदा ख़त्म। ठीक है, और उसके बाद क्या रहता है मेनली, अगर आप पूरा फोकस ही रख के, आपको ऐसे ही रख के ही चलानी है, मैं जैसे मैं चलाता हूँ, तो उसमें बस आपको ये अंगूठे पे ध्यान रखना है, बस ऐसे ही आपको 4-5 गोलियाँ चलानी है, उसके बाद रोक देना है, एक जगह पे ही चलती रहेगी। देखो जब इस पे ध्यान रखना है, जब रिकॉल होना शुरू हो जाए तभी हाथ छोड़ देना, उसके बाद फिर से चलाना शुरू कर देना, बस ऐसे 5 गोलियां गिल लो, बस 5 गोलियां लगानी है आपको फार्मस की तरह, लेकिन ये फार्मस से कई गुना ज़्यादा खतरनाक गन है, आपको पता ही है। ये भाई वॉल इतनी तगड़ी जल्दी तोड़ देती है, ये भाई क्या बोलते हैं व्हीकल जल्दी तोड़ देती है, तो ये ऐसे मैं इसकी रिकॉल कंट्रोल करके रखता हूँ। तो बस आपको समझ में आ गया होगा, मैं अभी दोबारा समझाता था एक बार लास्ट बार, आपको बस ऐसे रखना है अंगूठा, 4-5 गोलियां चलाओ, 4-5 गोलियां चलाओ, रुक जाओ, 4-5 गोलियां चलाओ, रुक जाओ, एकदम साइड देखो, एकदम सीधा लाइन है, एकदम सीधा, एक भी गोली इधर उधर नहीं जा रही, बस यही चीज़ आपको रखनी है, और मैं यही करता हूँ। हो सके तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींच सकते हो, अगर आप बैठे हो तो, मान के चलो आप बैठे हो तो आपको 5-6 गोलियां तक का शूट मिल जाता है, कभी कभी 7-8, देखो अभी कितनी ज़्यादा लग रही हैं, और 34 की हैं। अगर मारोगा लगा हो करेक्टर, उसके बाद आप लॉन्ग रेंज में चले जाओ तो भाई और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है डैमेज, 46, और ज़्यादा दूर जा सकता तो मैं भाई आपको दिखा देता, 50 की गोली लगती है बिना वेस्ट के। तो ये चीज़ रहती है एक ही की। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो।
ओके गाइज, यही थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको रिकॉइल के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आप मेरी वीडियो से सहमत नहीं हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप यहाँ से गलत बोल रहे हो, ये चीज़ इम्पैक्ट नहीं डालती, तो हम थोड़ा सा भाई कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करते हुए जाना। और हाँ, अगली वीडियो मैं एक्यूरेसी के ऊपर बनाऊंगा या फिर मैं एक और चीज़ के ऊपर बना सकता हूँ, जैसे कि मान के चलो आपको भाई हाई ग्राफिक पे आपको छोटे डिवाइस में खेलनी है गेम, तो वो भी मैं आपको बना के दे सकता हूँ कि भाई कैसे आपको बिना हैंग करे फ्री फायर खेलनी है। लेकिन ये इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि फ्री फायर भाई बड़े से बड़े फ़ोन में भी हैंग होती है, तो छोटे में तो होगी ही होगी, ये नॉर्मल चीज़ है। तो इसके ऊपर भाई मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट डालती हैं, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम मिनिमम 3 साल तो भाई मैं 4 GB RAM के साथ फ़ोन के साथ खेला हूँ। जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तो मैंने 4 GB RAM के साथ ही किया था पहले के टाइम पे, तो आप खुद सोच सकते हो। अभी मेरे पास 8 GB RAM का फ़ोन है जो भाई ASUS ROG 3 है, ये भी 4.5 साल हो चुके हैं इसको, ये इतना ज़्यादा हैंग नहीं करता, लेकिन करता है कभी कभी, तो करता है, यही गेम करती है। और भी मेरे पास और गेम्स पड़ी हैं लेकिन वो नहीं करती, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो भाई कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो से सहमत हो या नहीं वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर किसी और चीज़ को लेकर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको आपके लिए बना दूंगा। हाँ, लेकिन मेरे को उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो मैं ज़रूर बना दूंगा। प्लीज़ हो सके तो भाई कमेंट सेक्शन में मेरे को ड्रॉप करते हुए जाना सब चीज़ें। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भाई अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और नीचे आपको सुपर थैंक्स का बटन मिल रहा होगा। और हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए तो आपको ज्वाइन का बटन मिल रहा होगा सब्सक्राइब के साइड में, उससे आप चैनल ज्वाइन कर लो, तो आपके लिए स्पेशल अलग से सिर्फ आपके लिए वीडियोस मिलेंगी, जो भाई नॉर्मली सब्सक्राइबर है उनके लिए नहीं रहेंगी वो। और हाँ, वीडियो आपको पहले भी मिल जाया करेगी हो सके तो, बाकी नॉर्मल सब्सक्राइबर की जगह पे उनको थोड़ा सा लेट मिलेगी, लेकिन आपको पहले मिल जाएगी, ठीक है, मिलेगी सबको, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।